नई संसद के साथ सरकार का बड़े कीर्तिमान का दावा है तो दूसरी तरफ संविधान पर आघात का दावा। एक तरफ नई संसद के उद्घाटन की धूम है तो दूसरी तरफ बॉयकॉट का नजारा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल को नई संसद में रखेंगे तो विपक्ष विरोध का बिगुल फूकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अपमान का आरोप विपक्ष लगाएगा। संसद का नया भवन तैयार है। 28 मई को उद्घाटन के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं, कार्ड तैयार है, न्योता दे दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस समेत देश के 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा सब सकलेर माथा राष्ट्रपति, सेई राष्ट्रपतिर अधीने थाके पार्लामेंट, সেই পার্লামেন্ট নতুন ভবন উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতির হাতে হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেস পার্টিতে কহুঙ্গা কৃপা করকে রাষ্ট্রপতি কো আব ইস ডিবেট মে না খিচ দিয়া। ইয়ে হিম্মত হামারে সরকার নে কিয়া কি এপিজে কলাম কো বানায়া রাষ্ট্রপতি, এক বহুত হি ডিস্টিংগুইশড রামনাথ কোবিন্দ কো বানায়া রাষ্ট্রপতি, আর বহুত হি বরিষ্ঠ নেত্রী জো উস সমাজ সে আতি হ্যায় মুর্মু জি কো বানায়া রাষ্ট্রপতি। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी पार्टियां आग बबूला हैं। कांग्रेस की अगुवाई में 19 पार्टियों ने एक साथ बयान जारी करके कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं, इस शिला पट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। भले ही विपक्षी पार्टियों की अपनी सियासत है, भले ही केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देने का मन नहीं बना पा रही हो, लेकिन संसद के नए भवन पर विपक्षी पार्टियों के सुर एक है। So if these are done by the president, why is it that the president is not part of the inauguration of the new parliament building? Mr. Modi was taking all credit for her candidature for president, trying to get votes from the people in the name of Murmu. But when it comes to constitutional function, she is being ignored. The decorum, with the basic decorum which has to be followed, is not being followed. So my opposition parties have decided to boycott. नई संसद को कोई फिजूल खर्ची बता रहा है, कोई लोकतंत्र को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। जो संसदीय लोकतंत्र है वह संक्रमण काल में है। लगातार संसद के सत्र की अवधि खत्म होना, सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसका सक्षम जवाब नहीं देना, देश के अंदर नई सियासत है, सवाल उठाइएगा तो जवाब नहीं देंगे। विपक्षी पार्टियों के तेवर सख्त हैं, बहिष्कार का फैसला हो चुका है। दूसरी ओर सरकार बार बार अपील कर रही है कि विपक्ष को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ऐसे मौके गिना रहे हैं जब कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया।
स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते। वहीं असदुद्दीन ओवैसी एक नया एंगल लेकर आए हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, ओवैसी कह रहे हैं अगर स्पीकर उद्घाटन करेंगे तो वो आएंगे। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। 28 मई देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान की संसद को नई इमारत मिलेगी। इस ऐतिहासिक दिन पर अगर सत्ता पक्ष के कार्यक्रम में विपक्ष भी शामिल होता तो शायद पूरी दुनिया को लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत मिलता। लेकिन विपक्ष कई बड़े मुद्दों को उठाकर इसका विरोध कर रहा है। अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।